अस्सलाम वालेकुम। ये ओवरलॉक के ऊपर बहुत से लोग कमेंट किए थे। कमेंट क्या किए थे, किसी का धागा नीचे का खींच रही है, ऊपर का धागा सही आ रही है, नीचे का धागा खींच के आ रही है। और बहुत से लोग ने कमेंट किए थे कि ओवरलॉक का धागा टूट रही है, तो हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो ये ओवरलॉक का धागा क्या वजह से कटती है, टूटती है, या ये देखिए, ये हमारा सुई हो गई है। ये सुई हम इसको चलाते हैं तो यहाँ पे अगर ये सुई लग जाती है ना, तो इसके अंदर लग ये पॉइंट के पास लग करके हमें ये चेक कर लेना है कि लग करके धागा तो नहीं ना जा रही है। तो अगर लग के जाएगी तो या इसमें धागा टूट जाती है, इसमें लगेगी तो टूट जाएगी। और दूसरा ये देखिए, इसके अंदर प्लेट है। मैं दांत को खोल के दिखा रहा हूँ, अगर ये सुई थोड़ा भी क्रॉस रहेगी, थोड़ा भी अगर ये सुई क्रॉस रहेगी तो ये साइड, ये देखिए, ये साइड प्लेट में लग कर जाएगी नीचे, तो ऊपर का धागा टूट जाएगी। देखिए, थोड़ा भी क्रॉस रहेगी तो धागा टूट जाएगी, ठीक है। और मैं अब ये प्लेट को खोल के हटा रहा हूँ। अब देखिए धागा क्या वजह से टूटी, अभी आप सुई ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। हम अब इसको चलाएंगे इस तरह, ठीक है। ये टाँका इसमें आएगी, ये वाला टाँका इसमें आएगी, दूसरा टाँका ये सुई, ये वाली जो सुई है ये सुई से लग के जाएगी। अगर ये ज़्यादा सटेगी तो ये इसके पॉइंट में, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से भी धागा टूट जाएगी, ये पॉइंट से भी धागा कट जाएगी। तो आपको चेक कर लेना है कि इसमें धार तो नहीं ना है। इसमें धार आ जाती है यानी खांच आ जाएगी तो धागा छील के टूट जाएगी। तो आपको करना क्या है, ये साइड में ये पेपर लेना है, घिसने वाला पेपर, और थोड़ा सा इसको कट कर लेना है इतना, और इसको यहाँ से ऐसे ऐसे रख करके घिस लेना है, क्योंकि धागा यहाँ से कटेगी ना, तो आपको ये साइड से घिस लेना है, चारों तरफ से बराबर कर लेना है, धार जो जितना भी रहे ख़त्म कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये पॉइंट के पास भी आपको ऐसे करके घिस लेना है, और इस तरह करके आपको साफ कर लेना है। दूसरा नंबर, अगर नीचे का धागा टूट रही है तो ये जो, ये देखिए, ये जो धागा जिसमें नीचे फंसाते हैं ना, तो इसके अंदर कचरा काफ़ी धागा फंस जाएगी। फंसने की वजह से ये जो दो धागा है ना, ऊपर से ये जो हम ये साइड से आती है धागा, तो ये क्या जाम चलेगी, तो यहाँ पे फंसा लेगी, यानी यहाँ पे टाइट देगी, तो नीचे का धागा टूट जाएगी, समझे। और ये बिल्कुल लूज रखिए, ये साइड का धागा बिल्कुल लूज रखिए, और ये साइड का भी धागा बिल्कुल लूज रखिए, तो सिलाई खींचेगी भी नहीं और धागा नीचे का नहीं टूटेगी, ठीक है। और धागा कट करने का ये 3-4 वजह बताया हूँ, यही तरीका है कि आप इसको मिला सकते हैं। और पहला नंबर, ऊपर से देख लीजिए कि ये धागा का सेटिंग सही आ रहा है कि नहीं, ऐसे पकड़ के खींच के देख लीजिए, ठीक है। और ये सुई में लग करके यहाँ पे ऐसे पकड़ के देख लीजिए कि धागा कहीं पे रुक तो नहीं रही है। और तीसरा धागा भी हम इसी तरह पकड़ के आपको खींच करके देख लेना है कि धागा आसानी से आ रही है कि नहीं। अगर आसानी से नहीं आ रही, कहीं पर अटक रही है, तो धागा का सेटिंग कीजिए। फिर उसके बाद आप इसको जब खोल लिए है तो फिर सेम उसी तरह बैठा भी लेना है,
हम इसको जैसे खोले थे हम उस तरह इसको फिट भी कर लेंगे। और इसको 20 सेंटर में रखना है ताकि ये सुई ना इधर सटे ना इधर सटे। ठीक है, अब इसको हम एक बार चेक कर लेंगे क्योंकि मैं अभी खोला हूँ कहीं इसका सेटिंग आउट तो नहीं ना हो गई है। एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। अभी इसको हम बंद कर लेंगे। तो इस तरह करके आपको चेक भी कर लेना है। तो बस हमारा आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कोई भी सवाल है कमेंट करें।